नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो DU JET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्राइस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, IPMET का क्या है, सिम्बोसिस का क्या है, IPU का क्या है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और देखिए, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो 12th क्लास के अंदर होते हैं तो किसी कॉलेज को अपना ड्रीम कॉलेज बना लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस कॉलेज के अंदर वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी है और उनके पास तो मैथमेटिक्स है नहीं, तो वो लोग तो फिर एलिजिबल ही नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी कि आप किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप एक काम कीजिए, वीडियो देखते वक्त अपने हाथ में पेन और कॉपी रखिए और आप लिख लीजिएगा सारी की सारी एलिजिबिलिटी, आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ आज की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑफिशियल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन है, कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूं। और जिस तरह से मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले अपने कोर्सेज से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। सो अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हो DU JET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस, IPU यूनिवर्सिटी, IPMET या फिर जितने भी BBA, BMS और IPM के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, अगर आप उन सभी को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर GK, Verbal, LRDI and Quants है। वीडियो लेक्चर से आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको 260 टॉपिक टेस्ट देते हैं। अब आप सोच कर देखिए, 260 टॉपिक टेस्ट अगर आपने अटेम्प्ट कर ली तो आपकी कितनी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, कितनी परफेक्ट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं। अगर आपका कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, कोई भी आपका डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो डाउट सॉल्विंग पोर्टल का फीचर हम लोग अपनी ऐप के अंदर देते हैं, स्टडी बस के अंदर। एक क्लिक करो और वहां पर अपना डाउट पोस्ट कर दो, फैकल्टी आपको उसका रिप्लाई कर देती है, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है। तो डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिस तरह से रियल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं DU JET के, IPMET के, सभी के अलग अलग 10-10 मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं आपको, जिससे आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है। इसके साथ साथ हम आपको स्टडी प्लानर देते हैं, हर रोज किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, हर रोज क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें एक मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। अगर मैं आपको हमारी फैकल्टी के बारे में बताऊं तो 75% कोर्स जो है सौरभ कोठारी सर पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, DU JET टॉपर हैं, 7 टाइम्स IIM कोल होल्डर हैं, 99% उन्होंने कैट में स्कोर की है। तो इस तरह की फैकल्टी आपको मिलती है। महक मैम आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, जिन्होंने खुद 100 out of 100 स्कोर किया है मैथमेटिक्स के अंदर 12th बोर्ड्स के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वर्बल की, तो वर्बल का जो सेक्शन है वो अनुभव गुप्ता सर आपको पढ़ाते हैं, जिन्होंने खुद वो एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। सो इस तरह की बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फैकल्टी आपको मिलती है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और यही वो परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स का अभी आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो यही टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है। पेन और कॉपी लेकर आप लोग बैठिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ DU JET। तो अगर मैं DU JET की बात करूं तो देखिए, उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है 12th क्लास के अंदर। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आप DU JET के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि 65% की वेटेज एंट्रेंस एग्जाम को मिलती है, 35% की वेटेज आपके 12th क्लास की परसेंटेज को मिलती है बेस्ट ऑफ फोर में। एंड बेस्ट ऑफ फोर के अंदर आपको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स जो है उसको ऐड करना कंपलसरी होता है। तो DU JET की एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके फिर इंदौर की, तो देखिए अगर मैं आपके, और हाँ, DU JET के अंदर एक चीज और याद रखिए कि 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके IIM इंदौर की, तो देखिए IIM इंदौर के अंदर सबसे पहले तो एज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो है, वहां पर आपकी जो एज है वो 1st August 2001 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ST SC PWD की, तो यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलता है, तो 5 साल अगर वो बड़े भी हैं तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर अगर आपके 10th क्लास में 60% मार्क्स आए हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे IIM इंदौर के लिए। और अगर आप ST SC PWD हैं तो 55% मार्क्स आपको चाहिए 10th क्लास के अंदर। और यहां पर 12th क्लास के अंदर कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, 12th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। और हाँ, अभी फॉर्म्स निकल चुके हैं IIM इंदौर के, तो आप फिल कर सकते हैं। 12th क्लास में आप अपीयरिंग पर क्लिक कर सकते हैं, अभी तो रिजल्ट किसी का नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं अब इसके बाद आईआईएम रोहतक की, तो यहां पर भी 20 इयर्स की एज लिमिट है कि 20 इयर्स आपकी होनी चाहिए, और यहां पर एसटीएससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है एज के अंदर। अगर मैं बात करूं 10th एंड 12th के अंदर, तो आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर आप एसटीएससी पीडब्ल्यूडी हैं तो 10th एंड 12th के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं जिपमेट की। जिपमेट जो है जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया का है। सो अगर मैं जिपमेट की बात करूं, तो यहां पर देखिए जो आपकी 12th क्लास है वो 2019 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए, उससे पहले आपने नहीं की होनी चाहिए। जो आपकी 10th क्लास है वो 2017 या उसके बाद की होनी चाहिए। अगर आप 10th एंड 12th में 60% लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एसटीएससी पीडब्ल्यूडी हैं तो 10th एंड 12th में आपके 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। तो यहां पर 5% की रिलैक्सेशन मिलती है एसटीएससी एंड पीडब्ल्यूडी को, तो आप एलिजिबल होते हैं जिपमेट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईआईएम रांची की। तो अगर मैं आईआईएम रांची की बात करूं, तो देखिए आईआईएम रांची जो है उसका खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वो इपमेट इंदौर के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका अलग है क्योंकि आपको आईआईएम रांची का भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो अगर मैं आईआईएम रांची की बात करूं, तो देखो 10th एंड 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एसटीएससी पीडब्ल्यूडी हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और यहां पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल के तभी आप अप्लाई कर पाओगे, आपके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी एज की, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। तो देखिए जैसे ही मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, तो वहां पर जो एलिजिबिलिटी थी वो एक एक लाइन के अंदर लिखी हुई थी, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वहां पर बीकॉम बीबीए एंड बीबीए ऑनर्स करते हैं तो सिर्फ आपका 12th क्लास में पास होना जरूरी है। अगर आप बीबीए इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो 55% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। अगर आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम स्ट्रेटेजिक फाइनेंस करते हैं तो 60% मार्क्स आपके कम से कम 12th क्लास के अंदर होने चाहिए। अगर आप बीबीए इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करते हैं, बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करते हैं, तो आपके कम से कम 60% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए। अब अगर आप अप्लाई करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पर आपसे पूछता है 12th की परसेंटेज, अगर नहीं है तो फिर आप 11th की परसेंटेज अपनी लगा सकते हो और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायसिस की। तो अगर आप सिम्बायसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए सिम्बायसिस के डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस हैं। एक तो उनका पुणे के अंदर है, नागपुर के अंदर है, नोएडा के अंदर है, अगर आप वहां से बिजनेस एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो। सो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है, आपके 50% मार्क्स 12th क्लास के अंदर होने चाहिए। अगर आप एसटीएससी हैं तो 45% मार्क्स आपके 12th क्लास के अंदर होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं सिम्बायसिस के अंदर, सिम्बायसिस के अंदर बीबीए करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जेवियर्स कोलकाता की। सो अगर मैं जेवियर्स कोलकाता की बात करूं, तो देखो यहां पर क्या है कि आपके बीएमएस अगर आप करते हैं तो आपके जो बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स है वो कैलकुलेट होते हैं। जिस तरह से ड्यू जेट की एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही एलिजिबिलिटी है आपके जेवियर्स कोलकाता की। तो इसके अंदर क्या है कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको ऐड करने हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आपके पास बिजनेस मैथ्स होना चाहिए या फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर, तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कि मैथ्स, बिजनेस मैथ्स या फिर स्टेट्स के अंदर से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो बेस्ट ऑफ 4 के जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, वो एक तो आपको इंग्लिश ऐड करनी है, दूसरा आपको मैथमेटिक्स ऐड करना है, एंड तीसरा आपको जो सब्जेक्ट आपके कोई भी दो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज निकलती है, और यहां पर भी मिनिमम जो है 60% आपके होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की। सो अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो देखिए आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीबीए करने के लिए। टॉप कॉलेजेस हैं महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज है, जिम्स है, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रुक्मणी देवी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ट्रिनिटी भी है। तो उसकी जो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं आपको आईपीयू सेट के लिए, तो 50% आपके 12th क्लास के अंदर होने चाहिए कम से कम। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है कि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आप पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं आईपीयू के लिए। और आईपीयू की जो मेरिट लिस्ट है वो आपके बोर्ड और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पर नहीं बनती है, उसकी जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी जो कट ऑफ आएगी आपके स्कोर्स के बेसिस पर, वो पूरी तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही होगी। उसके अंदर 12th क्लास के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। और आईपीयू सेट जो है वो एक ओड मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ओड वन आउट है, क्योंकि देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीबीए बीएमएस और आईपीएम करवाती हैं, उनके अंदर या तो मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी के अंदर होता है, अगर एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं है फिर मैथमेटिक्स वो लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं क्वांट्स के अंदर। लेकिन आईपीयू जो है, आईपीयू के अंदर ना तो क्वांट्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में आता है और ना ही मैथमेटिक्स इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर है, तो इसलिए जो आईपीयू है वो एक ओड वन आउट बन जाता है। और आईपीयू उनके लिए परफेक्ट है जो मैथमेटिक्स से मतलब डरते हैं राइट।
इसके बाद हम बात करते हैं एनपैट की, नारसिमुंशी की। अगर आप नारसिमुंशी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीबीए बीकॉम एंड बीएससी फाइनेंस जो है उसका एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th क्लास में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और अगर आप एनपैट देते हैं, अगर आप नारसिमुंशी के मुंबई, नवी मुंबई और बेंगलुरु कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कैंपस हैं, लेकिन अगर आप इन तीन कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मुंबई, नवी मुंबई एंड बेंगलुरु के अंदर, तो आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स या फिर स्टैट्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं नारसिमुंशी के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड करेंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। एंड आई होप आज की जो हमारी वीडियो थी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग भी आज क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और आप लोग भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।